नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। बड़ी खबर है, हरियाणा से निकल के सबसे बड़ी खबर आई है, जाकरों फैली हुई है। वहीं इस लहर के मद्देनजर बेरोजगारी दर के मामले में हरियाणा अव्वल, सारे रिकॉर्ड तोड़, मई में भी नंबर वन बना। आखिर क्या है मामला, कृपया वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि हमारे आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुंच सके। CMIE के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में नौकरियों की दरकार सबसे अधिक है। सरकार का मानना था कि रोजगार से संबंधित आरक्षण कानून लागू हो जाने के बाद हरियाणा में भी रोजगारी के आंकड़ों में सुधार होगा, परंतु ऐसा अब तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार होता दिखाई नहीं दे रहा है। 11 अप्रैल 2021 को जारी हुए CMIE प्राप्त आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में भी रोजगारी दर 28.1% दर्ज की गई है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। हरियाणा के बाद बेरोजगारी दर के मामले में गोवा 22.1% के बाद दूसरे स्थान पर तथा तीसरे स्थान पर राजस्थान के 19.7% पर की गई है। इसी लिस्ट में सबसे कम बेरोजगारी दर असम में 1.1% तथा कर्नाटक में 1.2% रही है। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के कारण अप्रैल 2020 में बेरोजगारी दर 23.52% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। पिछले वर्ष का झटका अभी भी सहन नहीं हुआ था कि कोरोना की दूसरी लहर के साथ हालात 2020 से भी ज्यादा बदतर हो गए। सरकार ने यह माना है कि बढ़ते संक्रमण की चेन को रोकने के लिए मजबूरी बस लॉकडाउन लगाना पड़ा। सरकार नहीं चाहती थी कि ऐसे कदम उठाने पड़े। लॉकडाउन के कारण हालात और भी बदतर से ज्यादा बदतर खराब होते गए। प्रदेश में भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के सामने बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा विकराल रूप ले चुकी है। सरकार के आंकड़े तो यही बयां कर रहे हैं, जहां हरियाणा पूरे भारत देश में पहले स्थान पर कायम है। 2020 की बजाय अब हरियाणा की बेरोजगारी दर बढ़ी है, जिसके कारण हरियाणा की बेरोजगारी दर 28.1% दर्ज की गई है। बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।